हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग? होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। तो यार आज अपन लोग एक ऐसी बाइक का रिव्यू करने के लिए आए हैं जो एटलीस्ट इंडिया में तो बाइक नहीं, ये लोगों को ना इमोशन है, एक नाम है, एक अपने आप में एक ब्रांड है, रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350, जो कि रॉयल एनफील्ड ने बहुत टाइम बाद इसमें कुछ चेंजेस करे। तो अभी हम लोग हैं जोधपुर के श्री राज पुरोहित ऑटोमोबाइल रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे, और यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की क्लासिक जो भी नई लॉन्च हुई है उसके सारे कलर्स अवेलेबल है। बट जिस कलर के पास मैं खड़ा हूँ ये मेरा ना इतना फेवरेट कलर नहीं है, अभी आपको मैं लेके चलता हूँ मेरे फेवरेट कलर पे। तो ये है अपना रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का नया फेवरेट कलर रेड क्रोम में। अभी हम लोग इस बाइक का थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, इस बाइक के जो भी स्पेसिफिकेशन और इसमें जो भी चेंजेज आए हैं तो उसके बारे में हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो अभी हमारे साथ है हमारे करत भैया, जिनको आपने पुराने व्लॉग में भी देखा है। मैंने अब मैड इंजीनियर का चैनल हैक कर लिया है, करा जाकर ब्लॉग्स इनटू अमेड इंजीनियर। एंड इफ वी टॉक अबाउट द बाइक, जो सबसे मेन चेंज जो इन्होंने किया वो एक तो कंसोल के अंदर किया, और जो कलर की बात करें तो ये कलर बहुत ही शानदार बनाया। एक छोटा सा इन्होंने डिजिटल कंसोल कर दिया है, समय के साथ थोड़ा सा चेंजेस ज़रूरी है। बाकी क्लासिक में अगर ये नहीं हो ना तो क्लासिक क्लासिक नहीं है फिर। अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं अपने फेवरेट गोप्रो से अपनी फेवरेट बाइक का रिव्यू। तो मतलब रॉयल एनफील्ड तो अपने फेवरेट है ही है शुरू से, अपने पास हिमालयन है। अभी हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं इसके फ्रंट व्यू से। फ्रंट में अगर बात करें तो क्लासिक अपनी सारी चीज़ें रिटेन करके यहाँ पे इतना कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करा हुआ। हेडलाइट की अगर मैं बात करूँ तो हेडलाइट अभी भी बल्ब वाली है, एंड इंडिकेटर भी फ्रंट एंड रियर दोनों बल्ब वाले हैं। अगर बात करें डिस्क की तो यहाँ पे फ्रंट में भी डिस्क दे दिया है विद डुअल चैनल ABS। तो अभी क्लासिक में डुअल चैनल ABS इन्होंने दे दिया है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ साइड व्यू की, तो साइड व्यू में क्लासिक की लेंथ में हल्का सा चेंज है, बट इसकी व्हील टू व्हील जो डिस्टेंस है वो अभी भी वही मेंटेन्ड है, बस इसकी लेंथ में हल्का सा फ़र्क है। उसके बाद जो मेजर चेंज करा वो इसकी सीट हाइट में, पहले इसकी सीट हाइट थी 800 mm, अब इसकी सीट हाइट बढ़ा के 805 mm कर दी है। और सीट कम्फर्ट की भी बात करूँ तो रॉयल एनफील्ड ऐसी चीज़ बता दी कि इसकी कम्फर्ट में इंक्रीज़ करा हुआ है, तो वो अब जैसे हम इसको लॉन्ग टूर के लिए कभी मौका मिला तो वो लेके चलेंगे, तब इसका हम रिव्यू करेंगे कंफर्ट है या नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके बैक साइड, तो इसकी जो बैक लाइट है उसको प्रॉपर एक फिनिशिंग दे दी है अभी, इंडिकेटर अभी भी बल्ब वाले हैं। तो अभी अपन बात करते हैं इसके मेजर चेंज जो रॉयल एनफील्ड ने करा है इसमें, वो था इसकी मोस्ट वॉन्टेड चीज़, यानी इसमें फ्यूल गेज का देना। बहुत टाइम से ये यूजर्स की रिक्वायरमेंट थी कि इसमें फ्यूल गेज हमें चाहिए होता है, तो यहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने एक जो डिजिटल कंसोल दिया उसके साथ एक फ्यूल मीटर इन्होंने ऐड कर दिया जो आपके टैंक का फ्यूल बताएगा। उसके बाद यहाँ पे ट्रिप एफ, ट्रिप ए, बी कुछ ट्रिप्स ऐड करी इन्होंने, लाइक आप अपनी सेट कर सकते हो। यहाँ पे ट्रिपल नेविगेशन है ही है। जो ऊपर वाला कंसोल है उसमें इन्होंने मेजर कोई चेंज करा नहीं, वही अपनी करेक्टरिस्टिक वाली डिज़ाइन में मेंटेन है अभी भी। अब अगर अपन बात करें इसके मिरर्स की, तो मिरर की क्वालिटी पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर कर ली। पहले मिरर में हल्का सा वाइब्रेशन आता था, अब देखते हैं मतलब जैसे अपन राइड करेंगे इसको तो पता लगेगा। बट यहाँ पे अगर अपन बात करें किल स्विच की, तो रॉयल एनफील्ड ने यहाँ पे जो मीटियोर में था वो स्विच यहाँ पे डाल दिया है। ये इग्निशन ऑफ है, इग्निशन ऑन, ये इंजन स्टार्ट वाला स्विच है, तो डायरेक्ट आपका यहाँ से इंजन स्टार्ट हो जाएगा। ये हजार लाइट्स वाला स्विच है। अगर इधर बात करें तो ये पास का बटन है, ये हेडलाइट हाई बीम एंड लो बीम का है, और ये वाला एज ऑलवेज इंडिकेटर का स्विच है, और ये हॉर्न का। अब अगर बात करें अपन टैंक की, तो टैंक अभी भी वही 13 लीटर कैपेसिटी के साथ, बट इसका जो क्रोम फिनिश है ना भाई, क्या प्यारा लग रहा है। अगर मैं बात करूँ अभी लोगो की, तो लोगो इनका जो इंटरसेप्टर या कॉन्टिनेंटल GT में जो लोगो था वही इन्होंने क्लासिक 350 में दे दिया 3D लोगो। अब अगर अपन बात करें इसके इंजन के स्पेक्स की, तो बेसिकली अभी इसमें जो इंजन एंड चेसिस डाला हुआ वो रॉयल एनफील्ड की मीटियोर का डाला हुआ, तो अभी जो वाइब्रेशन था वो पूरा इसमें से हटा दिया गया, क्योंकि इसमें इंजन पूरा मीटियोर वाला शिफ्ट करा हुआ है, चेसिस भी ऑलमोस्ट वही है, बट जो इसका साउंड है वो अभी भी रिटेंड है। लाइक जो रॉयल एनफील्ड का करेक्टरिस्टिक साउंड है वो अभी भी इसमें वही टोन के साथ डाला हुआ, साइलेंसर के साथ। इंजन काफ़ी ज़्यादा फाइन कर दिया। तो एक बार अपन अपनी क्लासिक 350 को ऑन कर लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट अपन इसका सुन लेते हैं एक बार। वो काफ़ी बेसी सा साउंड कर दिया इन्होंने अभी। तो साउंड आपने सुन लिया, काफ़ी प्यारा सा, और आगे से लुक यार बहुत प्यारा लगता है इसका।
तो श्री राजपुरोहित शोरूम पे यहाँ पे क्रोम कलर में अवेलेबल है, तो ये कलर भी यहाँ पे अवेलेबल है। एक कलर इन्होंने क्लासिक 350 का यहाँ पे रखा हुआ है, एंड ये वाला जो सबसे शुरू में आपको दिखाया था ये कलर भी यहाँ पे अवेलेबल है। शोरूम काफ़ी प्यारा बना रखा है यार, मतलब बाइकर्स के लिए तो यही तो जन्नत होती है। तो अब अपन बात कर लेते हैं क्लासिक 350 की प्राइस रेंज। तो ये यहाँ शोरूम पे प्राइस मेन्यू है, तो इसमें आप चेक कर सकते हो। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर, इनकी मेल आईडी, जो भी चीज़ें हैं जिनसे आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हो आप डायरेक्ट बात कर सकते हो। बॉयज, अपना ये शोरूम था रॉयल एनफील्ड का, श्री राजपुरोहित ऑटोमोबाइल्स। तो बेसिकली अगर आप जोधपुर से और आपको किसी भी टाइप की रॉयल एनफील्ड की गाड़ी चाहिए आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ का एड्रेस और यहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो फिर अभी यार बारिश स्टार्ट हो गई, जल्दी से अपन यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप ये बता दो कि आपको क्लासिक 350 जो नई वाली है वो कैसी लगी। चलो बाय।